नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सेंटर फिलिंग चॉकलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने 2M ब्रांड का डार्क चॉकलेट मेल्ट करके लिया है। इसको कैसे मेल्ट करना है, जो मेरा अभी लास्ट वाला जो मोदक, चॉकलेट मोदक का जो रेसिपी है उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चॉकलेट को फिलिंग कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट मोदक का मोल्ड लिया है। इसमें अभी हम चॉकलेट को पोर करेंगे। चॉकलेट का टेम्परेचर हमें बहुत कम रखना है, मतलब हमें ज़्यादा भी गर्म नहीं और ज़्यादा भी ठंडा नहीं लेना है। मीडियम टेम्परेचर ही हमें चॉकलेट के लिए यूज़ करना है। अभी इसका हमें कैविटी बनाना है। चॉकलेट को मोल्ड में फिल करके लेना है हमें। ये सब अच्छे से फिल हो गए हैं। अभी हम मोल्ड को टैप करेंगे, जो एक्स्ट्रा एयर है वो चॉकलेट में से निकल जाएगा। हमें अच्छे से टैप करके लेना है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा चॉकलेट का बाउल है वो लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हम निकाल के लेंगे। वो हमें कंप्लीट निकाल के लेना है एक्स्ट्रा चॉकलेट, ये देखिए, क्योंकि हमें इसका कैविटी रेडी करना है। अगर इसके जगह पे आपको वाइट चॉकलेट लेना है तो आप वाइट चॉकलेट के लिए भी सेम प्रोसेस कीजिए। आपको मिल्क चॉकलेट लेना है तो मिल्क चॉकलेट के लिए भी सेम प्रोसेस कीजिए। मिल्क चॉकलेट ये बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट रहता है। ये देखिए, अच्छे से कैविटी बन गई है। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। फ्रिज में रखना है हमें, नीचे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अभी मार्केट में ये ऐसे रेडीमेड फिलिंग्स मिलती है, चॉकलेट ब्रांड की, यूनिफूड का ब्रांड है ये, और इसका कीमत है 110 रुपीज़। और ये अलग अलग इसके फिलिंग्स आते हैं। ये कुकीज़ एंड क्रीम मैंने यूज़ किया है, मलाई, कॉटन कैंडी और बहुत सारे इसमें वेरिएशंस है। आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मलाई भी आप यूज़ कर सकते हो गणपति जी के लिए। यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है, जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं व्हिपिंग क्रीम के लिए। अभी इसमें हम डालेंगे ये कुकी एंड क्रीम का फिलिंग 1.5 चम्मच। ये फिलिंग में भी चॉकलेट रहता है और ये चॉकलेट्स बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसे लगे। ये देखिए, और मैं और आधा टेबलस्पून ऐड करूँगी। इतना सा ही फीलिंग हमें लगेगा। ये देखिए, चॉकलेट हमारा सेट हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम ये फीलिंग ऐड करेंगे। एकदम ज़्यादा भी भर के हमें फिलिंग नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें इसको फिल करना है। ये देखिए, मैंने बहुत आधा ही फिल किया है। ये देखिए, अच्छे से सब फिल हो गए हैं। अभी इसके ऊपर हम चॉकलेट डालेंगे, मेल्टेड चॉकलेट, और फिर से हम इसको टैप करके लेंगे। अभी फ्रिज में इसको हम डालेंगे 10 मिनट के लिए। डिपेंड आपका मोल्ड कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपका चॉकलेट सेट होगा। चॉकलेट को फ़ैन के नीचे डीमोल्ड कभी भी मत कीजिए, नहीं तो चॉकलेट को स्वेटिंग आ जाता है। हमारे सेंटर फिलिंग चॉकलेट बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।